हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो मेरे चैनल का आज तक का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। सजेस्ट मी सम गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स या फिर सजेस्ट मी सम इजी स्किन केयर रूटीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके रेगुलर बेसिस पे आप अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं मेरे मोस्ट फेवरेट न्यूट्रोजीना प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। ये सभी टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना है। फेस वॉश करने के लिए मैं न्यूट्रोजीना डीप क्लीन फोमिंग क्लेंजर यूज़ करने वाली हूँ। ये जेंटल है, चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है, लेकिन एक्सेसिवली ड्राइंग नहीं है। लॉन्ग टाइम तक ऑयल कंट्रोल कर सकता है और 33% ग्लिसरीन है, तो स्किन मॉइस्चराइज्ड और ग्लोइंग भी रहती है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है और अफोर्डेबल भी है। ये एक ट्यूब बहुत टाइम तक चल जाता है। इसका फ्रेग्रेंस भी रिफ्रेशिंग है। हमें दिन में 2 बार फेस को वॉश करना चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रब के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रोजीना डीप क्लीन ब्लैकहेड एलिमिनेटिंग डेली स्क्रब। ये स्क्रब जेंटल है लेकिन सुपर इफेक्टिव है। इस स्क्रब का सोपी टेक्सचर है और स्क्रबिंग पार्टिकल्स बहुत माइल्ड है। सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे जेंटली स्क्रब करना है। ये स्क्रब हफ्ते में 2 बार करके रेगुलरली यूज़ करने से ब्लैकहेड्स चला जाता है और इसे यूज़ करने से चेहरा फ्रेश दिखता है इंस्टेंटली। ओके, तो नेक्स्ट हमें अप्लाई करना है टोनर। तो मैं ले रही हूँ न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट क्लियर लोशन। ये एक हाइड्रेटिंग टोनर है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसे अप्लाई करने के बाद आप जो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके इफ़ेक्टिवनेस को इनक्रीज़ कर देता है ये। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये टोनर। और अगर आपकी एक्सेसिवली ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ इसे ही अप्लाई कर सकते हैं विदाउट मॉइस्चराइज़र लाइट हाइड्रेशन के लिए। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत सूदिंग है। मैंने इसका इनडेप्थ रिव्यू भी किया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और टोनर हमें दिन में 2 बार फेस वॉश करने के बाद अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। आपको तो पता ही होगा ये एक अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है। इसका मेन इन्ग्रीडियंट है हाइलुरोनिक एसिड। स्किन के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये एक सुपर इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही लाइटवेट वाटरी जेल टाइप का मॉइस्चराइज़र है। दिन भर स्किन को हाइड्रेटेड और बहुत ही सॉफ्ट बनाए रखता है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। मैंने इसका भी डिटेल्ड रिव्यू एंड कंपैरिजन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ चेक कर लेना। मॉइस्चराइज़र के बाद अप्लाई करना है सनस्क्रीन। ये स्टेप मस्ट है। मॉइस्चराइज़र स्किप कर दे तो भी चलेगा, लेकिन सनस्क्रीन स्किप मत कीजिएगा कभी। मैंने लिया है न्यूट्रोजीना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50+। ये भी एक अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है और हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में रहते हैं तो टोनर के बाद डायरेक्ट सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिएगा। आप देख लेना एक दिन ट्राई करके कि आपको अलग से मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है कि नहीं। और वैसे भी रात में तो आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने ही वाले हैं। एंड लास्टली हमें चाहिए एक लिप बाम। लिप बाम के बिना तो स्किन केयर अधूरा है। न्यूट्रोजीना लिप बाम बेस्ट है। इसमें SPF 15 भी है और प्राइस भी रिजनेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।